कठुआ जिले में अब तक 13 पॉजिटिव केस हो गए। जम्मू कश्मीर में बुधवार को कोरोना से 12वीं मौत हो गई। इसके साथ ही 37 नए मामले सामने आए हैं। इनमें जम्मू से 7 व कश्मीर से 30 संक्रमित मिले। वहीं 11 मरीजों के ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 911 हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबरनाम। मोगा लंगर में जहाँ 80 उसके इनमेट्स और भी हैं, उनको फिर से टेस्ट किया जाएगा, उनका सैंपल टेस्ट किया जाएगा फिर से। एक बिलावर में है, एक बसोली में पहले निकला था, 5 और निकल गए। तो ये जो एक्टिव मेंबर्स हैं, इनको हमने शिफ्ट कर लिया है हॉस्पिटल में, गांधीनगर हॉस्पिटल में। और बाकी की कार्रवाई, इनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो की जा रही है। जिस जिस सेंटर में ये लोग हैं, उन सेंटर्स के जितने भी इनमेट्स हैं, चाहे वो पहले टेस्ट कर लिए गए हैं, फिर से इनका रीटेस्टिंग होगा, रीसैम्पलिंग होगा इनका। तो सर, ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या ले लिए? पहले से क्वारंटाइन किए गए थे या अपने घरों में गए थे? ये नहीं नहीं ये घरों में बिल्कुल नहीं गए। ये सारे के सारे कोई ट्रक से आया, कोई किस तरीके से आया, हमारे लखनपुर में पहुँचे। लखनपुर से इनको बाकायदा गाड़ियों में बिठा के क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। और ये लकीली जिस जिस गाड़ी में ये गए हैं, उस गाड़ी के जितने भी इनमेट्स थे, उसी क्वारंटाइन सेंटर में गए हुए हैं। तो ये अभी इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है बिलावर को भी, हीरानगर के, मोगा लंगर के जो छपर एरिया है उसको भी, और जो फलाही एरिया है बसोली का, उसको भी हमने हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री केयर फंड में राशि देने वाले और दानवीरों ने भाजपा महासचिव को सौंपे चेक। प्रधानमंत्री केयर फंड में राशि दान करने वाले दानवीरों ने बुधवार को दान की गई राशि में चेक भारतीय जनता पार्टी आरएस पूरा जिला इकाई के महासचिव राकेश शर्मा को सौंपे। इस अवसर पर भाजपा जिला महासचिव राकेश शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री केयर फंड में राशि दान करने के लिए लगातार लोग आगे आ रही है। सरकार द्वारा राहत पैकेज की गई घोषणा का बीडीसी चेयरमैन ने स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्लॉक मेरा साहिब के बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा देश के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की और कहा कि इस पैकेज से देश के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। मेरा साहिब क्षेत्र में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान चेयरमैन दिलीप कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जो राहत पैकेज की घोषणा की है, उसे देश के हर नागरिक को फायदा होगा। सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री साहब का, नरेंद्र भाई मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पहले तो देश को इस महामारी से बचाने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए वो काबिले तारीफ हैं। ऐसा कदम उठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से अपनी सूझबूझ का काम लिया, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया और आज देश को बहुत हद तक इस महामारी से बचाया। साथ ही साथ जो आज उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित किया है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूर थे, चाहे वो लोकल लेबर है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी जिन लोगों को इस जो लॉकडाउन से या इस महामारी से नुकसान पहुंचा है, उनकी भरपाई करने के लिए उन्होंने सोसाइटी के सभी वर्ग को इसमें शामिल किया है, जिसके लिए आप देखेंगे कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, इसमें जितने भी हमारी लोगों को नुकसान हुआ है, उन सबकी भरपाई हो पाएगी, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रदेश कांग्रेस सचिव तथा सरपंच पंडित पवन राणा ने अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को जारी रखते हुए मीरा साहिब क्षेत्र गांव के टिंडे कला में जरूरतमंद लोगों में सूखा राशन वितरित किया। इस मौके पर पंडित पवन राणा ने कहा, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता सोनिया गांधी तथा सांसद राहुल गांधी के निर्देशों पर वे लगातार जरूरतमंद लोगों के बीच पहुँच रहे हैं और उन्हें जरूरी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जिस तरीके से आप सब जानते हैं, पिछले काफी देर से हमारे इलाके में, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की महामारी चल रही है, उसी को देखते हुए हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट मैडम सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारी पूर्व सीएम यहाँ के श्री गुलाम नबी आजाद साहब और जेएनके के स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के जीए मीर साहब, उनके निर्देश के अनुसार हाईकमान के कि जो हम जो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, अपने अपने इलाके में गरीब लोगों को राशन दें और आपके इर्द गिर्द कोई भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए। यह पिछले 3-4 महीनों से हमने एक अपने इलाके में वो सिस्टम शुरू किया है, तो आज उसी की कड़ी को देखते हुए यहाँ टिंडे कलाम है, यहाँ वार्ड नंबर 3 के 5 हमारे श्री श्यामलाल जी और इनके साथ गुरमीत सिंह जी, जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी के मीरा साहब ब्लॉक के हैं, इन्होंने यहाँ कहा हमें कि हमें बताया कि हमारे इलाके में भी काफ़ी लोग गरीब लोग हैं। आज यहाँ कुछ गरीब लोगों को हमने अपनी तरफ से 5-5 किलो, 7-7 किलो का
ड्राई राशन जो है ये वही कड़ी शुरू है। तो ये सिलसिला हमारा आगे भी शुरू होगा, कल भी हमारा एक दो आगे दो तीन पंचायतों में प्रोग्राम है, वहाँ भी जो गरीब लोग होंगे हम उनको भी ड्राई राशन देंगे। जब तक हम दम है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, वो लगातार लोगों की सेवा में हाजिर होती रहेंगे।